बीजेपी शामिल होने तो बाद मनीषा गुलाटी ने सीएम चन्नी ते लगाए कई तरह के आरोप। सुखबीर बादल ने खोलिया चोन पिटारा, हर घर मुफ्त बिजली देने का किया वादा। आम आदमी पार्टी नूं लग्या वड्डा झटका, साबका सांसद हरिंदर सिंह खालसा अकाली दल विच शामिल। मनीषा गुलाटी दी जो बीजेपी दे विच शामिल हो गए ने, बीजेपी दे विच उन्हां दा स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई तरह के खुलासे भी किए, आरोप लगाए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते। अपनी स्टेट अपनी ही सरकार दे, अपनी ही सरकार दे लोकां ने कि ओ स्लोगन नूं किस तरह उन्होंने उस स्लोगन दा अपनी ही सरकार, एक विमेन कमीशन दी चेयरपर्सन जिहड़ी कि 50% कम्युनिटी दे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देख रही है, ते तुसीं उन्नू ही विक्टिम बना के छोड़ता। ते मैं बहुत हर्ट हुई क्योंकि 111 दिन दी सरकार विच मुख्यमंत्री जी ने बंदिया ही सब तो पहला मैनू टारगेट किया। मैं बड़ी शॉक सी क्योंकि मैं बड़ा प्राउड फील होता सी अपने ते कि शायद मैं ऐ लगता सी कि जिन्हिया मेरे तो पहले चेयरपर्सन आईया, सरकारा का काम होंगे अपॉइंट करना, तुहाड़ी अपनी परसनैलिटी ते डिपेंड करता है तुसी उन्हों अगे कैरी ऑन किस तरह करना, किस तरह तुसी अपने अपने अंदर दी गर्ज नूं काम नूं अगे लैके जाना चाहते हो। पर नहीं, मेरी वो सोच गलत सी क्योंकि मैं देखिया सिर्फ मेरी सिर्फ और सिर्फ एक गलती सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो चीफ मिनिस्टर सी, एक मिनिस्टर ते कैलीगेशन सी ओ उदो ते मीडिया द्वारा तुहाडे ही लोकां द्वारा न्यूज पेपर च लिया गया जो कि साडा काम सी एहो जी हर न्यूज ते सू मोटो लेना। मेरी वो गलती इन्हां ने मैनू वो महसूस कराया कि मैं गलती कीती, वो एक क्वेश्चन सरकार नूं पूछ लिया जो टिल डेट तक वो क्वेश्चन सरकार कटघरे च खड़ा होया है, जवाब नहीं दिता गया। मैनू 3 रिमाइंडर लगाए गए सरकार नूं, जवाब दो जवाब दो, प्रिंसिपल सैकटरी नूं फोन किया गया जवाब दो, पर फाइल क्लोज नहीं हुई क्योंकि सरकार ने हाले तक उनका जवाब नहीं दिता। उधर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने श्रोमणी अकाली दल BSP का मैनीफेस्टो जारी किया। मैनीफेस्टो के जरिए सुखबीर बादल ने अपना चोन पिटारा खोलिया, तो इस दौरान कई तरह के वादे किए कि जेकर पंजाब श्रोमणी अकाली दल बसपा सरकार बनती है तो कि काम करेगी ये सरकार। तकरीबन 1,00,000 मकान एक साल का अक्रॉस स्टेट इन लार्ज स्केल जिन्हां कोले कोई मकान नहीं है, सो आ एक बहुत वड्डा असी स्कीम लैके आए हैं। एक असी पिछली बार भाई कन्हैया स्कीम असी लियांदी जिथे 2,00,000 रुपये तक मेडिकल इंश्योरेंस सी, तुसी किते मर्जी इलाज करा सकदे हो, पर कांग्रेस ने बंद कर दिती। असी भाई कन्हैया स्कीम फिर तो लॉन्च करांगे, फिर तो लैके आवांगे, पर हुण 10,00,000 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस होगी परिवार की, पूरे परिवार की। जिन्ने भी एक असी स्टूडेंट कार्ड स्कीम असी लैके आ रहे हैं, जिहड़े बच्चा बच्ची ने किते भी एडमिशन लेनी है हिंदुस्तान च, भावें दिल्ली भावें चंडीगढ़ भावें बॉम्बे भावें बाहरले मुल्क, उन्हां नूं 10,00,000 रुपये का स्टूडेंट कार्ड बनाया जाऊगा, उस यूनिवर्सिटी का सीधी जी एडमिशन मिल जाती है। सानू वो चिट्ठी भेजेंगे, अकाउंट नंबर अप्रूवल देंगे, तो 10,00,000 रुपया स्टूडेंट कार्ड दे लिमिट होगी कि उन्होंने उस 10,00,000 चो जिन्ना पैसा यूनिवर्सिटी में जाना है उस 10,00,000 की लिमिट तो उन्होंने जाऊगा। बाकी असी जिहड़ी एजुकेशन वास्ते, मैं जिहड़ा सरकारी ढांचा है स्कूलों का वो मैं बिल्कुल रीवैम करना है। मेरिया प्रायोरिटीज़ है सरकार, आने वाली सरकार दियाँ 2 वड्डियां प्रायोरिटीज़ है, एक
सरकारी स्कूल का सिस्टम ठीक करना, दूजा हॉस्पिटल ठीक करने, सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल। चोणां दे दौर दे विच पार्टियां नूं लगातार झटके लगते ही रहिंदे ने। तां आम आदमी पार्टी नूं इक होर वड्डा झटका लग्गिया है। वड्डे झटके दे तौर ते हरिंदर सिंह खालसा आम आदमी पार्टी नूं अलविदा कह के ने झाड़ू छड्ड दित्ता। उन्होंने आम आदमी पार्टी दा ते श्रोमणी अकाली दल दे विच शामिल हो गए। श्रोमणी अकाली दल दे विच उन्हां दा निघा स्वागत किया गया। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी तो वागी रह चुके नेता हरिंदर सिंह खालसा सुखवीर बादल की अगवाई दे विच अकाली दल दे विच शामिल हो गए हैं। ते इस दे नाल ही आम आदमी पार्टी दे होर कई अहुदेदारां ने भी शिरोमणी अकाली दल दे विच शमूलियत कीती है। एक्स मैंबर पार्लीमेंट जो आम आदमी पार्टी दे मैंबर पार्लीमेंट खालसा जी अज श्रोमणी अकाली दल च आए है, वापस आए है। ते अज उन्हां नूं मैं जी आए कहना, ते आ हुण श्रोमणी अकाली दल दे जिहड़े साढ़े पुराने साथी रहे, थोड़ा बाईपास गए सी, हुण मेन रोड दे आए। अच्छा, बड़े काबिल है, बहुत काबिल है, बड़े चंगीआं एडवाइजेज इन्हां दी रहिंदीआं, ते सानू पार्टी नू उन्हां दा बहुत वड्डा फायदा होना है इन्हां दे नाल। दस दईए आम आदमी पार्टी ने 2015 दीआं अपणीआं लोक सभा चोणां दे विच सांसद धर्मवीर गांधी ते हरिंदर सिंह खालसा नू पार्टी दी प्राथमिक मैंबरशिप तों सस्पेंड कर दिता सी। ते इन्हां दोवां ते पार्टी विरोधी गतिविधियां दे आरोप लगे सी। इस तों बाद हरिंदर खालसा ने 3 साल पहलां उस वेले दे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली दी मौजूदगी दे विच भाजपा दे विच शमूलियत कर लीती सी। ते उस वेले हरदीप पुरी ने भी कहा सी कि इस दे नाल पंजाब दे विच भाजपा नूं मजबूती मिलेगी। पर हुण हरिंदर सिंह खालसा ने श्रोमणी अकाली दल दे विच शमूलियत कर ली है। दस दईए कि हरिंदर सिंह अनुसूचित जाति नाल संबंधित लीडर हन। कहा यह भी जानता है कि इन्हों के पिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दे काफी नेड़े सी, ते उन्हां दा परिवार अकाली दल दे नाल जुड़िया रहा सी। 1974 दे बैस दे भारतीय विदेश सेवा दे अफसर भी हरिंदर सिंह खालसा हन। राजनीति दे विच आउण तों पहला हरिंदर सिंह खालसा नॉर्वे दे विच भारत दे राजदूत भी रह चुके हन। ते कहा यह भी जानता है कि दंगियां दे विरोध दे विच IFS दी नौकरी छड़ के हरिंदर खालसा राजनीति दे विच आ गए सी। 1996 दे विच हरिंदर सिंह खालसा अकाली दल बादल दे विच शमूलियत करन तों बाद बठिंडा तों लोकसभा सीट तों संसद दे मैंबर चुने गए सी। उस तों बाद 2014 दे विच फतेहगढ़ साहिब लोकसभा सीट तों आम आदमी पार्टी दी टिकट ते चोणां लड़ियां ते उत्थों भी जीत हासिल कीती, पर छेती उन्हां दा आम आदमी पार्टी तों मोह भंग हो गया। उस तों बाद उन्हां ने भाजपा दे विच शमूलियत कीती ते हुण मुड़ तों श्रोमणी अकाली दल दे विच सुखवीर सिंह बादल दी अगवाई हेठां घर वापसी कर लई। न्यूज़ डेस्क तों सुनील कुमार दी रिपोर्ट, जगवाणी टीवी। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੈਕਟਰ 19 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 27 ਦੀ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੋਲ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੋਲ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਹੇ ਗਏ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਅਭੀ ਹੋਇਆ ਜੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ। अचानक ही पोल गिर गया ऊपर से। पोल एकदम ये आ रहा था, इतनी तेज स्पीड में शराब पी रखी इन्हें, आके एकदम गड्डी मारी जी, पोल पे मारी गड्डी एकदम वो हुआ। ये तो 2 बाइक वाले बचाव हो गया जी, बाइक वाले जो साथ चल रहे थे उनके सर पे बसता पोल, ये गड्डी पार हो गई जी मेरी तो। पीछे वाली भी टकराई है जी। नशे में ये ड्राइवर? हाँ नशे में है। अकेले ही था ये? हाँ अकेले ही। उसके बाद इन्हें अपनी गलती मानी है? मान ली गलती, बदतमीजी नहीं करी, ये बात इसकी अच्छी है, मैंने गलती मानी। मैं तो उस कार जानना चाहता हूँ जी, मेरे तो जो नुकसान हुआ वो अगले वो भुगते हैं, जो भी भुगते हैं, एमसी वाला भुगते, ड्राइवर भुगते, मैं तो थाने में खड़ी करा दूंगा गड्डी, मेरे को तो कोई ऐसा गड्डी का लालच नहीं है।
मैं चार दिन खड़ी रही जापान की, मेरे को ठीक करा के देंगे गड्डी। साल पुरानी मेरी गाड़ी है, कोई पुरानी भी नहीं है, तो मैं सोच लूँ कि चोट लगी हो तो कोई बात नहीं। एम सी में काम करते हो? ना। गाड़ी आप चला रहे थे? ना। खून कैसे लगा है सारा? आपस में हुई थी भाई के। पुलिस सामने खड़ी है मेरे भाई, झूठ बोल रहे हो कि मैं ड्राइवर का काम नहीं करता एमसी में? ये गाड़ी आपने मारी है ना? कहाँ मारी भाई? ये खड़ी है गाड़ी, देख सामने तेरे, देख मारी गाने बताओ। ये पोल में मारी है रॉन्ग साइड। ये मानूंगा मैं, गलती में आपने मारूंगा। आपने शराब पी रखी है? ना। आपकी तरफ से आया एमसी में से कोई? अरे आगे आगे कौन आया? दसे जा रहे कि गड्डी विच ता पूरा परिवार बैठा सी, पर शुक्र है बाल बाल बच गया। उधर सूचना मिलते ही मौके ते पीसीआर अते थाना पुलिस फोर्स पहुंची। पीड़िता ने शिकायत की कि हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिस गड्डी ने टक्कर मारी है उसका चालक नशे विच सी। जो उस चालक नाल गल करनी चाही तो पहला तो वह मना ही करता रहा कि वह ड्राइवर नहीं है, ना ही उसने कोई एक्सीडेंट किया है। काफ़ी देर बाद मन्या कि एक्सीडेंट होया है। उसके भी चेहरे उत्ते अते शरीर ते कई थावां उत्ते काफ़ी सट्टां आईयां सी। उत्थे पुलिस ने सारे पक्षां दे बयान दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही नगर निगम के अधिकारी भी मौके ते पुजे। उन्होंने कहा कि ड्राइवर उन्होंने कोलों गड्डी सवेरे 6 बजे लैके चला जाता है, 2 बजे जमा करवाता है। जेकर इसने नशा किया होया है तो इसके खिलाफ उन्होंने डिपार्टमेंट वालों कार्रवाई की जाएगी। एक्सीडेंट होने की वजह करके सड़क के दोनों पासे जाम वर्गे हालात बन गए। जगबाणी टीवी लई कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। उधर चंडीगढ़ के विच प्रदर्शनों ते हड़तालों का दौर भी लगातार जारी है। उधर यूटी पावर यूनियन वालों स्ट्राइक की गई। 17 सैक्टर के परेड ग्राउंड के विच जोरदार प्रदर्शन किया गया, तो वड्डी गिणती लोग इस विच शामिल हुए। चंडीगढ़ पावरमैन यूनियन वालों 20 फरवरी तो लैके 72 घंटे की हड़ताल शुरू करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को चेतावनी दी गई है। तो उस तो पहले चंडीगढ़ पावरमैन यूनियन वालों चंडीगढ़ प्रशासन को अपनी ताकत दसी गई। सैक्टर 17 के परेड ग्राउंड के सामने यूनियन वालों प्रदर्शन किया गया। यूनियन के इस धरने के सैकड़िया की गिणती के शहर वासियां कई जत्थेबंदियां ने ते प्रशासन के विरोध के नारेबाजी की। इस रोस मुजहरे को आम आदमी पार्टी के पार्षदों का भी समर्थन मिलिया। जब वोट डालना था चंडीगढ़ की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना था वोट डालने के लिए, तो वो आ गई। वैसे बोलती है बीमार है, तो उसकी बीमारी उस दिन कहाँ चली गई थी जब पब्लिक का चंडीगढ़ की पूरी पब्लिक का बेवकूफ़ बनाना था, उस दिन तो वो आ गई वोट डालने के लिए। तो आज अगर इतनी सच्ची थी, जुबान की पक्की थी, तो आज क्यों यहाँ पर मेयर नहीं और क्या किरण खैर नहीं और क्यों बीजेपी का एक भी मेंबर नहीं है? क्यों बेचारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जो आज अपनी ड्यूटी करते, लोगों की लाइटें ठीक करते, आज वो सड़कों पे आए हुए हैं भूखे प्यासे, आपको भी पता है। उत्थे मुजाहराकारियों का कहना है कि चंडीगढ़ प्रशासन केंद्र की तरस से निजीकरण की नीति अपना रहा है। भारी मुनाफा होने तो बाद भी बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, इसका सीधा नुकसान शहर वासियों को होगा, तो इस करके निजीकरण का वो विरोध कर रहे हैं। अज के धरने चंडीगढ़ प्रशासन तो हिंदुस्तान की सरकार के कोलों अं मंग करते हैं कि जोड़ा निजीकरण तुम प्रॉफिट के महकमा बिजली चरिया वह कर बिल्कुल निखेधी करते हैं। जेकर इन्होंने निजीकरण ना रोकया तो बिजली विभाग वालों 22, 23, 24, 72 घंटे की स्ट्राइक की और जी समस्या चंडीगढ़ के लोगों होएगी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਲੈਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ 8 ਰੁਪਈਏ 9.5 ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅਧਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ BSNL ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਏਅਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ।
मुजाहराकारी पावरमैन यूनियन के मुलाजमान का कहना है कि पिछले 5 वर्षों तो बिजली दर ना बढ़ाने तो बाद भी बिजली विभाग काफ़ी मुनाफे दे विच है ते उस तो बाद भी चंडीगढ़ प्रशासन केंद्र की तर्ज से निजीकरण की नीति अपना रहा है। हुण वख-वख मंगां नूं लैके चंडीगढ़ पावरमैन यूनियन वल्लों 22 फरवरी 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया गया ते इस नूं लैके मुजाहराकारियां वल्लों अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया। पर हुण वेखण वाली गल होएगी कि संबंधित विभाग इस संबंध दे विच की कदम चकदा। जगवाणी टीवी ले चंडीगढ़ तो भगवत सिंह दी रिपोर्ट। उधर कोरोना के करके स्कूल बंद सी पर हुण सारे स्कूल खुल चुके ने। चंडीगढ़ दे विच सारे सरकारी स्कूलों खोल दिता गया है, बच्चे पहुँच रहे हैं। पर जदों स्कूलों का जायजा लिया गया तो उत्थे बच्चे घट पहुँचे ते जदों मापिया तो इस बारे पूछा गया तो मापिया का कहना है कि उन्होंने मन दे विच किते ना किते कोरोना नूं लैके हाले भी डर है। शहर के सरकारी स्कूलों विच सारियां क्लासां खोल दित्तियां गईयां हन पर हाले भी मापे अपने बच्चों नूं स्कूल भेजण तों कतरा रहे हन। हालांकि स्कूलों में 14-15% तक ही विद्यार्थी आ रहे हैं। आने वाले दिनों में बच्चों की गिनती वधण की उम्मीद है। उत्थे उन्होंने कहा कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों की फिटनेस लई उन्होंने ग्राउंड में भी कसरत और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं। मोबाइल फोन के जरिए कुछ अध्यापक ऑफलाइन के नाल ही ऑनलाइन मोड में भी पढ़ा रहे हैं। अजिहे विच विद्यार्थियों नूं स्कूल विच पढ़ाउण दे नाल ही उसी समय विच घर बैठे बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हन। उत्थे ही घर बैठे विद्यार्थियों नूं कुछ टीचर्स वक्त तो गूगल उत्ते स्टडी मटीरियल भेज रहे हन। कुछ टीचर्स शाम नूं भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स लई क्लासां लगा रहे हन। शहर विच कुल 114 सरकारी स्कूल हन। सर, बच्चे कम जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा पेरेंट्स के मन में जो डर है अभी फिलहाल, क्योंकि बिल्कुल ही रिसेंटली अभी जो थर्ड वेव थी उसकी वजह से, बट आई एम श्योर धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ जाएगी और नेक्स्ट वीक ही हमारे पास बच्चे लगभग 60-70% हो जाएंगे, इसका मुझे पक्का है। और बच्चों को भेजना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि ऑनलाइन एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बच्चे जो ऑनलाइन जो है वो उतना नहीं सीख पाते जितना वो क्लास में आके सीखते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी, एज अ पेरेंट मैं खुद भी अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ कि हाँ अभी माहौल थोड़ा ठीक है, स्कूल में प्रॉपर केयर की जा रही है बच्चों के साथ, प्रॉपर उनको अवेयरनेस दी जा रही है कि आपने कैसे रहना है क्लास में, इस सिचुएशन में आपने कैसे बिहेव करना है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी स्कूल में। मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। यहाँ पे स्कूल में पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है, बच्चों को भेजने का इसमें कोई खतरा नहीं है, तो प्लीज आप अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं। शहर के स्कूलों में आने वाले छोटे बच्चों ने स्कूल में आके खुशी साफ की दस्या कि स्कूल आके उन्होंने काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है। शहर के एक सरकारी स्कूल की छोटी स्टूडेंट गीता ने दस्या कि स्कूल में आके वधिया समझ आ रहा है। अजे विच पेपर दिंदे समा बहुत मुश्किल हुंदी है, घर विच ऑनलाइन स्टडी नाल कुछ समझ नहीं आउंदा सी। गीता ने कहा कि उसनूं स्कूल विच पढ़ना ज्यादा चंगा लगता है। हमें स्कूल में आके अच्छी तरह से समझ आता और घर पे ऑनलाइन कुछ समझ नहीं आता, तो हमें जब स्कूल में पेपर देने आना होता है तो हमें बहुत मुश्किल होती है पढ़ाई में। घर पे हमें कुछ भी समझ नहीं आता ज़्यादा, स्कूल में आके मैम के सामने हमें बहुत कुछ समझ आता है जिससे हमें एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स मिलता है। छोटे बच्चे स्कूल विच वधिया पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों ने दस्या कि स्कूल विच जदों टीचर पढ़ाते हैं तो उन्होंने वधिया समझ आता है, इस नाल परीक्षा विच भी चंगे नंबर मिलते हैं। टीचर्स भी बच्चों काफ़ी वधिया पढ़ा रहे हैं। बच्चों ने कहा कि उन्होंने स्कूल विच आके पढ़ना वधिया लगता है। सरकारी मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल सैक्टर 19C सैक्टर 27C दे गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल, राजकीय आदर्श उच्च पाठशाला सैक्टर 26 आदि कई स्कूलों में बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं। जगवाई टीवी ले भगवत सिंह दी रिपोर्ट। रुख मौसम दा कर लैने आ तां ठंड लगातार घटती जा रही है, दिन वेले लगातार धुप हो रही है जिस दे करके लोकां नूं गर्मी दा अहसास हो रहा है। तापमान दी जो गल कीती जावे तां वध तों वध तापमान 3.2°C ते घट्टो घट तापमान 7.2°C दर्ज कीता गया। ताज़े इस बुलेटिन दे विच पास ते नहीं, फिर होगी मुलाकात। सत श्री अकाल।